मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, साइकिल पर पत्नी को शव लेकर घूमता रहा पति, गांव वालों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। यहां गांव वालों ने एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया क्योंकि हर किसी में कोरोना का खौफ बैठा हुआ है। कोरोना वायरस की ताजा लहर ने लोगों के दिलों में दहशत बैठा दी है, खौफ बैठा दिया है माहौल के बीच। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। ये गांव वालों ने एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया क्योंकि हर किसी में कोरोना को लेकर डर था। बुजुर्ग अपने पत्नी का शव साइकिल पर लेकर भटकता रहा लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घटी है। यहाँ मडियाहू कोतवाली इलाके में तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। सोमवार को उसकी तबीयत खराब हो गई, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, किसी तरह से सत्तावन दी गई। ऐसे में शव की स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े उन्होंने 27 अप्रैल को खुद ही अपनी पत्नी की शव को साइकिल पर रखा और उसका दाह संस्कार करने नदी के तरफ चल दिया। पुलिस ने कार्रवाई, अंतिम संस्कार की व्यवस्था, लेकिन वहां पर गांव वालों ने पहुंचकर ऐसा करने से मना कर दिया जिसके बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सका। जब इसका पता पुलिस को चला तो उन्होंने शव को कफन में लपेटा और जौनपुर के रामघाट में अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाई ताकि कोई गांव वाला परेशानी का सबब ना बने। बता दें कि कोरोना के संकट में काल का खौफ ऐसा कि लोग किसी भी बीमार मृतक को भी नज़दीक जाने से बच रहे हैं। हालिया वक्त में ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां पर कोरोना से मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं पहुंचा तो प्रशासन, यहां के अनजान व्यक्ति मिलकर उनके शव को अंतिम संस्कार किया। ऐसे हाल हैं कोरोना संक्रमण के बीच में, कोरोना संक्रमण की दहशत की। तो आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज़, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।